नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक और वीडियो लेके मेरे चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान आकाश। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपके घरों में सुख शांति समृद्धि बरकरार रहे, हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, यही पवन भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है मेरी वीडियो का, वो ये रहेगा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज की एलएस बिनोला, रूलर बिनोला और चिल्की बिनोला, इन तीनों में क्या अंतर होते हैं। तो हमारे बहुत से भाई बड़े कंफ्यूज रहते हैं इन मामलों में कि जब मार्केट में जाएं बिनोला खरीदने के लिए तो एलएस बिनोला ले, चिल्की बिनोला ले या रूलर बिनोला ले। तो दोस्तों, आज मैं आपके एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अपने एक अपनी वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहूँ और आप सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहूँ। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि एलएस बिनोला, चिल्की बिनोला और रूलर बिनोला में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, हम मार्केट में जाते हैं, हमें पता होता है कि हमें बिनोला लेके आना है। हम कहते हैं दुकानदार को, भैया एक बोरी बढ़िया बिनोला की दिलवा दो। तो हमसे पूछता है कि भैया आपको क्या चाहिए, एलएस दें, चिल्की दें या रूलर दें। तो हम कन्फ्यूज जाते हैं, हमारे फार्मर भाई जो होते हैं वो कई बार कन्फ्यूज जाते हैं कि कौन सी लें। तो हम कहते हैं जो आपको पसंद हो दे दो। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि इन तीनों मालों में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि चिल्की बिनोला जो होता है वो होता है एक सार्जन मशीन का माल होता है, सार्जन प्लांट का माल होता है, स्टीम मशीन का माल होता है। हालांकि कोई लंबा चौड़ा अंतर इन कपास के अंदर नहीं होता कि कपास तो सेम चलाई जाती है मशीन, सिर्फ मशीनों का डिफरेंस होता है। चिल्की के अंदर दो पैसे की सफाई फालतू होती है। रूलर बिनोला क्या होता है, रूलर बिनोला जो पेचड़ी मशीनों का माल होता है उसमें चिल्की के मुकाबले सफाई थोड़ी कम रहती है। और एलएस बिनोला क्या होता है, एलएस बिनोला उसे कहते हैं जो हरियाणा से बाहर का बिनोला होता है, जो साउथ से जैसे आंध्रा, एमपी, वरंगल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगह जो बिनोला बनाया जाता है उसे एलएस बिनोला बोलते हैं। ये भी पेचड़ी मशीन का ही माल होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता क्या होती है कि इन बिनोलों के अंदर जो फैट की मात्रा जो होती है और जो कस की मात्रा जो होती है वो फालतू कुछ ज़्यादा होती है। इनकी जो केक बनता है, इनका ऑयल सीड केक बनता है, बिनोला की खल जो बनती है वो बिल्कुल पीली खल बनती है। तो दोस्तों, एक और फर्क भी होता है एलएस बिनोले या रोलर बिनोले, चिल्की बिनोले में, कि अब जब बोरी हाथ मारते हैं बोरी के ऊपर, बोरी के ऊपर हाथ डाल के देखते हैं, चिल्की बिनोला तो बचता है, उसको तो आप छन 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 मजा के देख सकते हैं। एलएस बिनोला, रोलर बिनोला बचता नहीं है। और कुछ आपको लगेगा कि चिल्की में सफाई ज्यादा रहती है और एलएस में सफाई थोड़ी कम रहती है। तो दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि एलएस बिनोले और चिल्की बिनोले में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे हमारे गोडाउन के अंदर। तो चलिए हम गोदाम के अंदर चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो होता है चिल्की बिनोला, ठीक है दोस्तों। अब जिसको हम इसको बजा के देखेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि बज रहा है ये। तो इसमें सफाई देखिए आप, कितनी सफाई आती है इस माल के अंदर। और ये होता है हमारा एलएस बिनोला, चिल्की मुकाबले इसमें थोड़ी सफाई कम आती है, थोड़ा मोटा दाना आता है। बाकी ये माल बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, इनके अंदर तेल बहुत अच्छा होता है इन मालों के अंदर। और इनका जो ऑयल सीड केक होता है, जिसे हम बिनोला की खल भी बोलते हैं, बहुत ही पीले रंग का आता है। और अब आ गए हम, दिखाते हैं आपको रूलर बिनोला। ये होता है सिर्फ रूलर बिनोला, ये पेचड़ी मशीनों के माल होते हैं, तो इनमें थोड़ा सफाई का अभाव रहता है। बाकी उसमें जब बात करें तेल की गुणवत्ता की, माल की गुणवत्ता की, माल की गुणवत्ता उतनी ही होती है जितनी चिल्की की होती है। बस इसमें हम देखें तो एक बिनोले चिल्की की बजाय इसमें सफाई कम मात्रा आती है, और जब बोरी को से बजाते हैं तो बचती नहीं है। तो इसकी ये पहचान होती है रूलर बिनोले की। एलएस बिनोले में भी सेम होता है, बोरी पे जब हम हाथ मारते हैं तो वो भी नहीं बचती है, और चिल्की की बोरी जब हम मारते हैं तो छन 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 की आवाज़ करती है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है चिल्की बिनोले और एलएस बिनोले की। तो दोस्तों, ये अंतर होता है चिल्की बिनोला, एलएस बिनोला और रूलर बिनोले के अंदर। तो दोस्तों, कभी भी मार्केट में जाएं बिनोला परचेज करने के लिए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसा आपको माल चाहिए, आपको एलएस चाहिए तो आप एलएस बोलिए दुकानदार को, चिल्की चाहिए तो चिल्की बोलिए दुकानदार को, और रूलर चाहिए तो रोलर बोलिए दुकानदार को। तो उस हिसाब से आपको रेट बताएगा, उस हिसाब से आपको माल देगा। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, अच्छी गुणवत्ता का माल अपने घर लेके जाइए, अपने पशु के लिए लेके जाइए। और जैसा आप माल लेके जाएंगे, जैसे आप उसको पैसे दे के जाएंगे, वो माल वैसा ही काम करेगा आपके पशु की सेहत के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जल्दी आपसे एक और वीडियो लेकर मिलूंगा।